वेलकम टू नायर अल्टीमेट। तो यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे 64वीं बीपीएससी का जो मेंस था 64 बीपीएससी का, इसका कट ऑफ इस बार क्या रह सकता है, इसका हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि 64 बीपीएससी का कट ऑफ क्या हो सकता है हमारे हिसाब से। जैसा कि 64वीं मुख्य परीक्षा है, इसका रिजल्ट अभी आने ही वाला है, तो इसका पेपर फर्स्ट का यदि बात करें जो कि 300 अंकों का हुआ था और जिसकी अवधि 3 घंटे की थी, जिसका कट ऑफ है वो मुझे लग रहा है 155 से 170, जो कि मैंने पिछले वर्षों का पेपर देखा इसके आधार पर और सीटों की संख्या जो इस बार किया है इसके हिसाब से मुझे लग रहा है 155 से 170 के बीच में ही रहेगा। तो इतना के बीच में यदि आपका आएगा तो जाहिर सी बात है आपने कैसा लिखा है तो आपकी संभावना बन सकती है। तो ठीक है, जो पेपर फर्स्ट है उसमें 155 से 170 तक आने की संभावना है। यदि पेपर टू की बात करें तो पेपर टू भी 300 अंकों का था, 3 घंटे की अवधि था एग्जाम में, तो इसमें लग रहा है 165 से 180 तक का जो है कटअप इस बार रहने की संभावना है। तो इस तरीके से हमने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में देखा, पेपर फर्स्ट में जो है 155 से 170 तक ही रह सकता है और इसमें इतने तक रहने की संभावना, और इसमें भी यही संभावना है। अब हम लोग थोड़ा सा ऑप्शनल में देखते हैं कि ऑप्शनल में क्या कटअप रहने की संभावना है इस बार। तो ऑप्शनल में यदि बात किया जाए तो ऐच्छिक विषय हो गया ऑप्शनल, यानी कि हिस्ट्री की यदि बात करें तो हिस्ट्री में 155 से 170 अंक तक आने की संभावना है इस बार। यदि ज्योग्राफी की बात किया जाए तो ज्योग्राफी में 150 से लेकर 165 अंक तक इस बार रहने की संभावना है ज्योग्राफी में। और LHW की यदि बात करें तो 165 से 180 अंक तक आने की संभावना है। और हिंदी साहित्य की यदि बात करें तो हिंदी साहित्य में तो 160 से 180 तक ऐसा संभावना लग रहा है मुझे कि इस बार आने की संभावना। और सोशियोलॉजी की बात करें 160 से 175 अंक तक आने की संभावना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसमें सफल होंगे, आप सब लोगों को शुभकामनाएं हमारे तरफ से। और एक और बात, जो लोग भी 66 बीपीएससी की प्री की तैयारी करना चाहते हैं ढंग से, उस लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना है, तो थोड़ा आप लोग देखना है तो 64 बीपीएससी का था, अब थोड़ा 66 की तरफ मैं चलता हूँ। यहाँ पर थोड़ा देर आप लोग बस बने रहेंगे हमारे साथ। ये जो 66 बीपीएससी है इसकी जो है पूरी तैयारी बेसिक के साथ हमारे चैनल पे कराई जा रही है, तो आप सब लोग जुड़ करके इसमें प्लेलिस्ट में सारी वीडियो अभी जो दी हुई है और बाकी डल रही है तो बिल्कुल नए पैटर्न पे है। और जिधर भी जो भी मिले आपको सब पुराने पैटर्न हो चुके हैं, आपको तो पता ही होगा कि किस तरीके से बीपीएससी में प्रश्न आजकल आने लगे यूपीएससी पैटर्न पे। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना ज़रूर, और आपको प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखोगे कि हिस्ट्री पॉलिटी सब वीडियो मतलब कुछ अभी पड़ी हुई और बाकी चलेगी अभी 66 तक। तो आप सब लोगों को शुभकामनाएं हैं, 66 के साथ ज़रूर आप लोग जुड़े, आपको 100% मैं दिलाता हूं यकीन कि इतना वीडियो देख लोगे मेरा और मैं क्वेश्चन सेट भी लाऊंगा एग्जाम के समय में। तो आप सब लोग प्लीज़ हमारे साथ जुड़ना, 66 की जो तैयारी है वो पूरी बेसिक से मैं कराऊंगा, पूरी तैयारी कराई जाएगी जिसमें आपका जो है इतिहास फिर भी विशेष फोकस दिया रहेगा जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, संविधान यानी पॉलिटी इसका भी वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है, भूगोल का जस्ट बनने वाली है वीडियो भूगोल, अर्थशास्त्र करेंट भी मैं लाऊंगा, एग्जाम का टाइम आने दीजिए करेंट भी मैं शुरू करूंगा। और इसके बाद साइंस बहुत बेहतरीन ढंग से लाई जाएगी यहाँ पे, विज्ञान जो है आपका जिससे कि 30 प्रश्न आज के डेट में आने लगा है। 65 में आप लोगों ने देखा था कि 30 प्रश्न था, पहले 20 हुआ करता था। तो आप लोग जो भी लोग 66 की तैयारी करना चाहते हैं बेसिक ढंग से तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ जाना, आप हमारा वीडियो देखोगे प्ले लिस्ट में तब आपको पता चलेगा कि इसमें बिल्कुल नए पैटर्न पर आप लोगों को बताई जा रही है। बाकी आप लोगों को धन्यवाद।